अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएमडी सीएमडी का 2023 के रिकंडक्ट के हवाले से, और जो केपीके में ब्लूटूथ डिवाइसेस का स्कैंडल और सिंध में जो है वो पेपर लीक होने का स्कैंडल बिफोर स्टार्ट ऑफ द पेपर, तो उस हवाले से इस वीडियो में बात करेंगे कि एमडी कैट डिले हो सकता है, एमडी कैट जो है वो रिकंडक्ट हो सकता है या फिर नहीं, तो इस हवाले से इस वीडियो में बात करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि केपीके में जो है चीटिंग स्कैंडल सामने आया, जिसमें जो है वो ब्लूटूथ डिवाइसेस स्टूडेंट कुछ इस्तेमाल करते हुए पकड़े गए थे, बरामद हुई थी कुछ कैंडिडेट्स के यहाँ से, और इसमें जो है वो 35 से 40 लाख रुपए एक ब्लूटूथ डिवाइस के लिए गए थे चीटिंग के लिए, और टेस्ट से कबल जो था वो 44 सेंटर्स पर जो था वो जो था वो तकरीबन 200 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं उनसे ब्लूटूथ डिवाइसेस मशूल हुई थी। तो इस हवाले से जो दूसरा स्किन में स्कैंडल सामने आया, उसमें पेपर स्टार्ट होने से पहले ही जो था वो पेपर लीक होना शुरू हो चुका था, पेपर मुख्तलिफ सोशल मीडिया नेटवर्क पर जो था वो लीक हो गया था। तो इस हवाले से जो है वो जिनाह सिंह मेडिकल यूनिवर्सिटी को एक लीगल नोटिस का भी सामना करना पड़ा, रजिस्ट्रार जिनाह सिंह मेडिकल यूनिवर्सिटी को लीगल नोटिस भेज दिया गया स्कूल की जानब से, जिसमें बताया गया कि बिफोर स्टार्टिंग द टेस्ट द पेपर वॉज लीक्ड एंड मेड वायरल ऑन सोशल मीडिया, फर्स्टली आवर क्लाइंट एंड अदर कैंडिडेट वर ऑफ द इम्प्रेशन दैट इट मस्ट बी अ फेक पेपर, बट वैन आवर क्लाइंट अपियर इन द एम डी कैट एंड केम आउट फ्रॉम द एग्जामिनेशन हॉल अपॉन चेकिंग द पेपर विच वॉज लीक बिफोर द टेस्ट वॉज द सेम, यानी पेपर जो था वो एम डी कैट स्टार्ट होने से पहले ही डिफरेंट सोशल मीडिया पर जो था वो लीक हो चुका था, और ये पेपर जो था वो जो पेपर JSMU की जानिब से लिया गया था वो सेम ही था। तो पेपर जो था वो कुछ काली बेड़ों की जानिब से जो था वो लीक किया गया था स्टाफ की जानिब से जिनाह सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के, ऐसा कहना है, और जो कैंडिडेट थे जिनको जो जिन्होंने पे किया था पेपर लीक के लिए उनके जो है वो 185 और 186 के करीब जो है की चेक करने के बाद जो थे मार्क्स थे। तो उन्होंने कहा है कि दैट आफ्टर कंपेयरिंग द की ऑफ द आंसर कैंडिडेट्स वाज शॉक्ड एंड विटनेस दैट द स्टूडेंट हु वर बिलो एवरेज, यानी जो स्टूडेंट अपने स्कूल और कॉलेज के कैरियर में बिलो एवरेज थे उनके जो थे वो हाईएस्ट मार्क्स आ चुके थे विद द हेल्प ऑफ योर ऑफिशियल्स हु लीक द पेपर। तो इस हवाले से जो था उनका कहना था कि हेयर बाई अ कॉल अपॉन थोरो लीगल नोटिस दैट इमीडिएटली बाई द रिसिप्ट ऑफ दिस लीगल नोटिस विद इन 7 डेज कंडक्ट इंक्वायरी अगेंस्ट JSMU ऑफिशियल, यानी JSMU ऑफिशियल जिन्होंने पेपर लीक किया और सेल किया उसके उनके खिलाफ जो है एक लीगल नोटिस निकाला जाए, इंक्वायरी बिठाई जाए और पेपर जो है जो एमडी कैट हुआ उसको कैंसिल करके रिकंडक्ट करवाया जाए, और रिकंडक्ट में ये बात जहन ही की जाए कि इस तरह की फिर से कोई गलती ना हो पेपर लीक होने की। तो उन्होंने कहा कि आई हैव पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन टू आवर क्लाइंट टू इनिशिएट सिविल एज वेल एज क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट यू एंड JSMU एट योर ओन कॉस्ट एंड रिस्क, द कॉपी ऑफ लीगल नोटिस मस्ट बी प्रिजर्व फॉर द डे ऑफ द नीड। तो ये लीगल नोटिस जो है वो JSMU को जो है वो जारी हुआ है, जिसमें एमडी कैट 2023 के जो लीक हुआ था सिंध में उसकी इंक्वायरी करवाने के लिए, और पे जो पिछला जो एमडी कैट 2023 हुआ था 10 सितंबर को उसको कैंसिल करके एमडी कैट दोबारा रिकंडक्ट करवाने के हवाले से जो था वो मुतालबा किया गया था। तो दोस्तों एमडी कैट 2023 के रिकंडक्ट के हवाले से जो था सिंध और केपीके में जो है वो जो आवाज़ जो है काफ़ी हद तक बुलंद कर रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन प्रेस कर लें, इस वीडियो में इतने मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।